हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी शाइनी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ माय अगस्त मंथली एम्प्टीज़। ये एक एम्प्टीज़ वीडियो सीरीज़ है जो मैं हर महीने शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। मेरे पिछले महीने के जो भी प्रोडक्ट एम्प्टीज़ होते हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ताकि आप सबको हेल्प हो, यू नो, टू बेटर नो द प्रोडक्ट, दैट इज़ दैट प्रोडक्ट गुड फॉर यू और नॉट। और मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन इस वीडियो में शेयर करती हूँ। सो मेक श्योर इस वीडियो को आप पूरा देखिए। वीडियो पसंद आए देन डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। सारे प्रोडक्ट्स की परचेजिंग लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड किया है। सो अगर आप इन प्रोडक्ट्स को परचेज करना चाहते हैं तो मेक श्योर यू चेक माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ऑल द प्रोडक्ट्स आई हैव परचेज फ्रॉम Amazon एंड Amazon इज स्टार्टिंग देयर किकस्टार्टर डील्स फ्रॉम 9th of September। फर्स्ट प्रोडक्ट इज़ दिस प्लम मैकेडेमिया एंड ऑलिव हाइड्रेशन शैम्पू। ये शैम्पू बिल्कुल एम्प्टी हो चुकी है एंड यू ऑल कैन सी नथिंग इज़ लेफ्ट, क्योंकि मैंने पानी डाल के रेसिड्यू भी इस्तेमाल कर लिया है। दिस शैम्पू प्रोवाइड्स हाइड्रेशन टू योर हेयर। अगर आपकी हेयर बहुत ज़्यादा ड्राई, डल, डिहाइड्रेटेड है देन यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस शैम्पू। इसका फ्रेगरेंस एकदम रिच, हाई एंड फील देता है एंड द फ्रेगरेंस इज ऑल्सो वेरी लॉन्ग लास्टिंग। ये आपके हेयर को क्लीन भी करता है, स्कैल्प को क्लीन करता है, बट जो ड्राइनेस देता है ना वैसा कुछ ड्राइनेस आप नहीं फील करोगे। आप अगर कंडीशनर भी स्किप करना चाहते हैं देन स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी अच्छी तरीके से आपके हेयर को हाइड्रेशन भी प्रोवाइड करता है। दिस मंथ आई हैव अ कंडीशनर एम्प्टी विद मी। ये है लॉरियल पैरिस ड्रीम लेंथ डीटैंगलिंग कंडीशनर। ये कंडीशनर ना बहुत ही ज़्यादा हेयर को हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, और अगर आपकी ड्राई डैमेज हेयर है जिसमें स्प्लिट एंड्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस कंडीशनर। ये ना आप सिर्फ अपने टिप्स पर ही इस्तेमाल करें, अपने स्कैल्प पर ना इस्तेमाल करें। कंडीशनर आपको कभी भी अपने स्कैल्प पर नहीं इस्तेमाल करना है, जस्ट अपने हेयर लेंथ्स एंड टिप्स पर ज़्यादा क्वांटिटी में इसे अप्लाई करें। ये काफ़ी सॉफ्ट बना देता है आपके हेयर को एंड शाइनी भी बनाता है। अगस्त महीने में मैंने लॉरियल का ये हेयर मास्क ट्राई किया था, और ये जो हेयर मास्क है दिस इज़ अमेजिंग। ये जो हेयर मास्क है ना ये बहुत ही ज़्यादा हेयर को हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है। अगर आप काफ़ी सारे हीटिंग टूल्स इस्तेमाल करते हैं, स्टाइलिंग टूल्स इस्तेमाल करते हैं तो हेयर अनहेल्दी हो जाते हैं, ड्राई, फ्रिजी हो जाते हैं, तो उसके लिए ये परफेक्ट है। इनफैक्ट आप इसे एज अ कंडीशनर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये काफ़ी थिक है एंड आई हैव शेयर्ड अ डिटेल रिव्यू ऑन दिस, तो अगर आप चाहते हैं तो वो वीडियो भी चेक कर सकते हैं, बट दिस इज़ हाईली रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड। इस महीने मैंने एमकोफिन का ये जो बॉडी स्क्रब है इसे पूरा ख़त्म कर लिया है, एंड ये जो बॉडी स्क्रब है ये मैं पिछले 3 महीने से आई गेस इस्तेमाल कर रही हूँ, या फिर 3.5 महीने होगा, क्योंकि ये काफ़ी कम क्वांटिटी में चाहिए एंड इट स्क्रब्स योर बॉडी वेल। और ये जो डेड स्किन सेल्स है उसे रिमूव करता है एंड स्किन को ना इतना सॉफ्ट बना देता है। पहले आई यूज टू अप्लाई दैट DIY बॉडी स्क्रब जिसमें मैं राइस फ्लावर लेती थी, कॉफ़ी पाउडर ऐड करती थी एंड आई यूज टू मेक अ मिक्सचर आउट ऑफ इट एंड उसे मैं अपने बॉडी पर अप्लाई करती थी। बट आई हैव नोटिस्ड अ डिफरेंस, क्योंकि ये आपके बॉडी को ना स्क्रब करने के साथ साथ एकदम मॉइस्चराइज्ड फील देता है। आई डोंट नो इसके अंदर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट शायद होंगे जो कि आपके बॉडी को मॉइस्चराइजेशन भी प्रोवाइड करता है, जो कि DIY मास्क में ऐसा नहीं होता था। ऑल्सो DIY मास्क में मुझे काफ़ी टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता था, इसमें वैसा नहीं है। इसके साथ आपको एक वुडन स्पून भी मिलेगी, तो उससे काफ़ी आसानी हो जाती है, क्योंकि इसको ना आप को पानी में मिक्स नहीं करना है, जस्ट वेट बॉडी पर आप इसे स्क्रब कर लीजिए एंड दैट विल बी इनफ। अगर आपने मेरे इंडिपेंडेंस डे मेकअप ट्यूटोरियल, राखी मेकअप लुक, ये सारे वीडियोस देखा है तो आपको पता है कि आई वाज यूजिंग दिस मामा अर्थ उब्टन फेस वॉश, एंड इस फेस वॉश की हालत आप लोग देखिए एकदम खत्म हो चुका है, बिकॉज आई हैव यूज दिस टोटली। ये इतना अमेजिंग एक फेस वॉश है। मैंने इसके बारे में काफ़ी अच्छे खासे रिव्यूज़ देखे थे Amazon पर, बट आई वॉज नेवर इंट्रीग्ड टू बाय दिस, बट फाइनली मुझे लगा एक बार तो ट्राई करनी ही है। इसका जो टेक्सचर है ना इसके अंदर छोटे छोटे स्क्रबिंग पार्टिकल्स हैं, तो अगर आपकी स्किन एक्सट्रीमली सेंसिटिव है तो आप स्क्रबिंग को स्किप कर दीजिए बिल्कुल एंड सिर्फ इस फेस वॉश को इस्तेमाल करें, तो ये आपके स्किन को क्लीन भी करेगा, एट द सेम टाइम एवरी डे माइल्डली स्क्रब करेगा। ये मॉइस्चराइजर अभी पूरा खत्म हो चुका है, क्योंकि ये लैक्मे पीच मिल्क SPF 24 लाइट मॉइस्चराइजर है। ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है एंड समर्स के लिए अप्रोप्रिएट है। मैं तो इसे रात को भी इस्तेमाल कर लेती हूँ कभी कभार, जनरली मैं इसे डे टाइम में इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि इसके अंदर SPF 24 है जो कि एकदम परफेक्ट SPF है। अगर आप इंडोर्स है। सो इट वर्क्स इन बोथ वेज ओनली। अगर आप घर पे हैं तो सिर्फ इसे इस्तेमाल कीजिए, इससे आपको जो सन से प्रोटेक्शन है घर पे इंडोर्स वो भी आपको मिल जाएगी। एंड दिस इज वेरी लाइट वेट, तो ऑयली कॉम्बिनेशन स्किन टाइप्स के लिए परफेक्ट रहेगी। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो भी समर सीजन के लिए इट विल बी गुड। नेक्स्ट आई हैव अ सीरम एम्प्टी, जो कि प्लम का ये नाइसिनामाइड सीरम है। ये मैंने बहुत बार इसके बारे में आप लोगों के साथ शेयर भी किया है, इसके ऊपर मैंने एक अलग से रिव्यू वीडियो शेयर किया है। इफ यू वांट टू चेक दैट वीडियो, आई बटन पे मैंने उसका लिंक प्रोवाइड किया है। ये ना आपके जो फेस पर वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम है उससे काफ़ी हद तक रिड्यूस करने में मदद करता है। अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है, ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। बट अगर आपकी एक्सट्रीमली ड्राई स्किन है, नॉर्मल स्किन है तो उसके लिए आई डोंट थिंक इट विल बी परफेक्ट। बट अगर आपकी स्किन में एक्नी है, पिंपल मार्क्स है तो उसके लिए आप इसे ट्राई कर सकते हैं। नाइसिनामाइड इज अ वेरी गुड इंग्रेडिएंट फॉर ऑयली एक्नी प्रॉन पिंपल प्रॉन स्किन। लास्ट जो एम्प्टी है वो है ये बायोडर्म मिसेलर वाटर। ये बिल्कुल एम्प्टी है एंड मैं इसे बचा कर रख रही थी, क्योंकि जब भी हम लोग ट्रैवल करते हैं तो उस टाइम इस तरीके का छोटा सा कंटेनर काफ़ी हैंडी हो जाता है, ट्रैवल फ्रेंडली होता है। बट ये इतना अमेजिंग मिसेलर वाटर है, सो आई थॉट मैं रीपर्चेस कर लूँगी इसे, बट आई हैड टू यूज़ दिस मिसेलर वाटर। ये आपके मेकअप को इंस्टेंटली रिमूव कर देता है, वाटरप्रूफ आईलाइनर मस्कारा अच्छी तरीके से रिमूव कर देता है एंड बहुत ही ज़्यादा माइल्ड है। तो मेरी स्किन ना काफ़ी सेंसिटिव है तो उसके लिए, एंड ड्राई भी है मेरी स्किन, तो कभी कभार मैं कुछ मिसेलर वाटर वगैरह अगर इस्तेमाल करती हूँ तो उससे मेरी स्किन और ज़्यादा ड्राई हो जाती है एंड कभी कभार तो ब्रेकआउट्स की प्रॉब्लम भी मैं फेस कर चुकी हूँ। तो इसीलिए मैं इसी मिसेलर वाटर को इस्तेमाल करती थी एंड अभी भी मैं इसे रिपर्चेस करने वाली हूँ बिकॉज दिस इज़ एन अमेजिंग मिसेलर वाटर बाय द वे। सो या गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप मेरा मंथली एम्प्टी सीरीज आप लोगों को अच्छा लग रहा है। अगर आप इसी तरीके का वीडियोज़ देखना चाहते हैं नीचे कॉमेंट करके ज़रूर मुझे बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आप कौन सा देखना चाहते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। आज के लिए तहीं, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय।